हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट लगाया और निफ्टी ने एक अच्छी खासी यहाँ पे अपने डे हाई को तोड़ कर यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। फिर टॉप में जाकर डे हाई को तोड़ने के बाद और कंटिन्यू में नीचे आ रहा है। मेरा मानना ये है आएगा 16,890 के आसपास तक। यहाँ से वापस एक रिकवरी दिख सकती है, श्योर नहीं है क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे भी आ गया, लेकिन नीचे आने की स्पीड कम है आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है यहाँ से जहाँ पे लो लगाया था वहाँ से वापस एक रिकवरी मिल जाए, है ना। बाकी मैं आपको अपना अगर प्रॉफिट दिखा दूँ तो 8,000 के आसपास का चल रहा है। बस एक यहाँ पर टाइम पास के लिए एक लॉट ले रखा है, इसको मैं होल्ड करूँगा पूरे दिन के लिए। अगर रिकवरी मिलती है तो ये हमारे प्रॉफिट छोड़ जाएगी थोड़ा बहुत, है ना। बाकी कैसी जगह प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर भी निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हाँ, देखते हैं कब रिकवरी आती है अपने पास। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने बस 3 ट्रेड बनाई थी यहाँ पे, है ना। देखिए आप, सुबह यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हुआ है, 16,950 की कॉल में। फिर एक स्कैल्पिंग थोड़ी सी करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी पहली ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ था, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके हमने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया आज के दिन भी। दोस्तों इसी तरीके से ट्रेडिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लीजिए, और अब इस प्रॉफिट में से आपको लॉस नहीं देना है किसी भी की। मतलब प्रॉफिट में से आपको अगर लॉस लेना है तो 10% 20% का लॉस लीजिए, अगर वो हो जाए तो सिस्टम को बंद कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा कोई ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है।